हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पेलिमोन, जो कि हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप नर्वस सिस्टम से क्या समझते हो? नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कैसे हमें स्टिमुलेशन को, बाहरी जो संवेदनाएं होते हैं उसको हमें कैसे रिएक्ट करना है, इसका सेंसेशन भी हमें नर्वस सिस्टम करवाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिकल पर्पज से देखते हैं कि आपको यहाँ पर डिसेक्शन कैसे करते हैं। जो पेलिमोन है, पेलिमोन का डिसेक्शन कैसे होता है वो हमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आफ्टर दैट जो हमें वहां पर देखना है, जो सिस्टम की स्टडी करना है फ्रॉम नर्व रिंग टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस डिसेक्शन। यू सी this is removed, and below that
डिसेक्शन कर रहे हैं तो डिसेक्शन करते हम समय हम ये देखते हैं कि जो उसकी बॉडी पर कैरापैक होता है उस कैरापैक को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम उसकी बॉडी को फ्रॉम हेड टू एब्डोमेन तक के एक लंबा कट हम वहां लगाते हैं सीजर से, और उस कट को हम वहां पर जब तक कि हमें अंदर डीप हम इंसिजन बना रहे हैं वहां पर जब तक हमें वो सिस्टम फाइंड आउट नहीं हो जाता, बिकॉज ये उसकी बॉडी में सबसे लोअर साइड पर बॉडी से अलाइन रहता है। तो हम इसको प्रॉपरली जब तक कि ये प्रॉपर तरीके से सिस्टम को विजिबल नहीं हो जाता तब तक के हम इसको इस तरीके से प्रॉपरली विजिबल होने तक के हम प्लूरा को और इसके अंदर जो विसरा होता है विद द हेल्प ऑफ नीडल हम इसको क्या करते हैं प्रॉपरली रिमूव करते जाते हैं। इसका ध्यान ये चीज रखी जाती है कि यहाँ पर आपको नीडल से उसको डैमेज नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि अगर आपने ब्रेन को डैमेज कर दिया तो वहां वो फंक्शन लेस तो हो ही गया है, बस हमारा यहाँ पर बेसिक एम है कि हम उसको फ्रॉम गैंगलिया ब्रेन से हम उसको वेंट्रल कॉर्ड तक स्टडी करेंगे। सो देट बहुत केयरफुली हमें उसको सारे हमें उसमें नीडल रेजर इंसीजर सब यूज करते हुए हमें उससे प्रॉपरली डिसेक्ट करना होता है, जस्ट बिकॉज हमें जो हमारा लास्ट रिजल्ट है वो मिल पाए। सो देट यहाँ पर हम इस तरीके से सेक्शन कटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इसके कैरापैक को हटाते हैं, और जब तक कि हमें इसकी प्रॉपर आपको नर्व स्ट्रिंग ना दिखने लग जाए वेंट्रल कॉर्ड ना दिखने लग जाए तब तक हम इसे प्रॉपरली इसके विसरा को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर जब आपका सिस्टम आपको विजिबल हो जाएगा तो हम क्या करते हैं हम उसको डिसेक्टिंग ट्रे में प्रॉपरली पीन करते हैं, उसको स्प्रेड करके पीनअप किया जाता है, और उसको पीन करने के बाद हम वहां पर उसका विसरे का और विसरा और बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं। उसके बाद हम उसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमें प्रॉपर वो सिस्टम हमें हमारा सिस्टम जो हम देखना चाह रहे हैं नर्वस सिस्टम वो सारे वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद हम उसे वाटर में ले जाकर उसको रिमूव करते हैं, प्रॉपरली वॉश ऑफ करते हैं, और उसके बाद हम उसको नॉर्मली स्टेन करते हैं ईओसिन से। ईओसिन से स्टेन करने के बाद उसको हम बी स्ट्रेंसेस की नॉर्मल माउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें क्या दिख रहा है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, सो वो यहाँ पर आपको दिखने वाला है, ठीक है। सो इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिसेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। So this is the last, it is the dissective system, nervous system. Okay, properly aapko yahan par nerve ganglia dikh raha hai, this nerve ganglia, then this nerve ganglia continue with the commissures and ventral nerve cord and thoracic ganglionic mass. So ab iske baad main aapko iska observation batati hu ki observation mein hame isme kitne parts dikhte hain. सो नेक्स्ट मैं आपको प्रेजेंटेशन करवा रही हूँ, आप देखिए।